ये क्या होता है ए, ये बी, और ये क्या दे दिया उसने एच सी एफ। तो हमें पता है कि एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू बी होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा इन दोनों को 6 से डिवाइड कर देना, 336 इंटू 54, ये हो गया एल सी एम इंटू एच सी एफ। और यहां हमें किसकी वैल्यू पता है, उसने कहा है ये किसकी वैल्यू पता है, यहाँ एच सी एफ की, एच सी एफ कितना है हमारा 6 इंटू एल सी एम, हमें पता नहीं है ये क्या है ए ये क्या है बी। अंडरस्टूड, इस 6 से इसको डिवाइड करूं तो 9 टाइम जाएगा, थ्री जीरो टू फोर इज द एलसीएम, ये 5 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गए सबको। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स किससे निकलता है, डी से। अब अगर हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है, डी इज ग्रेटर देन 0, क्या होता है रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 नो रियल रूट्स, होता है ना। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 into 3 6, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहे हैं 2x square, हमें 4 लाना है किससे, 2 और 3 से 4 ला सकते हैं। क्या हमें यहां फैक्टर करने जरूरी है, यही जैसे मैंने स्टार्टिंग की सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इसी को करते हैं सबसे ज्यादा, तो हमें नहीं करना है क्योंकि हमें तो d निकालना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, तो d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, b होता है जो x के साथ है, दिस इज b, a के साथ होता है दैट इज a, और ये क्या होता है c, b इज -4² - 4 × 2 × 3 दैट इज 16 - 24 - 8, कौन सी कंडीशन है, ये वाली नो रियल रूट्स, तो नेचर है नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया, तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें से इसे माइनस कर दो या फिर इसमें से इसे माइनस कर दो, तो मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो व्हाट विल हैपन, 3 - a / 3a - 1 / a, एलसीएम कितना हो जाएगा 3a, इन दोनों का एलसीएम 3a, ये तो 3a पूरा है तो ऊपर की वैल्यू पूरी आएगी, यहाँ a है 3a बनाने के लिए ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज -a / 3a, दैट विल बी इक्वल्स टू -1/3। समझ में आ गया, स्क्वायर 60 क्या होता है, साइन 60 का स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे हम साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 tan 45, सीधा लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 है, -cos 30 का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 -cos 30 की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 60 की होती है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो एक चीज याद रखनी है कि आपको साइन 60 की वही वैल्यू होती है जो cos 60 की होती है, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी पता चल गया, लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको ये पता है कि यहाँ काटने से, इस स्टेप पे जाने से बढ़िया यहीं काट दो, क्योंकि जो साइन है वो ही कोस होता है, ये 60 पे अगर वो 30 पे है, तो इट मीन ये प्लस ये वो माइनस है, तो काट दो और यहीं से आंसर आ जाएगा 2 × 10 45 1 = 2। तो एमसीक्यू में है तो ऐसे आप डायरेक्टली कर देना, वहां आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहां अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं और परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, इसको x ले लेते हैं तो व्हाट इट विल बी 4² = 3² + x² ये कितना होता है 9, इधर आके माइनस हो जाएगा x² दैट इज 7 = x² रूट करेंगे तो √7 = x, और सेक के ये क्या आ गया √7 आ गया, सेक के क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 / √7। अंडरस्टूड,